कोरोना काल के दौरान जब सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाया तो देश का सबसे बहुचर्चित शराब कांड सोनीपत से ही निकलकर सामने आया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने शराब तस्करी से जुड़े बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि सोनीपत में शराब तस्करी से जुड़े सभी माफिया शराब का धंधा छोड़ चुके हैं। लेकिन बीती देर रात जब सोनीपत पुलिस ने नाइट डोमिनेशन के दौरान दिल्ली नंबर की एक मारुति कार से शराब बरामद की तो एक बार फिर सोनीपत शराब माफिया सुर्खियों में आ गए। आपको बता दें कि सोनीपत सिक्का कॉलोनी पुलिस चौकी देर रात नाइट डोमिनेशन प्रोग्राम के तहत नाका लगाए हुए थी। अचानक उन्हें सोनीपत की तरफ से आती हुई एक मारुति कार नजर आई जिस पर भारत सरकार का स्टिकर लगा हुआ था। कार में नांगलोई के रहने वाले मनीष और मोहित नाम के दो युवक थे। जैसे ही कार सवार युवकों ने पुलिस को देखा, उन्होंने कार को तेज स्पीड से भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर ही दबोच लिया और कार से 32 पेटी शराब बरामद की गई। कल रात को नाइट डोमिनेशन लगा हुआ था, जिसके तहत हमने नाकाबंदी करके दी विवेकानंद चौक के पास। हमारी टीम वहाँ पे खड़ी थी, तो लगभग 2 बजे के आसपास एक ये गाड़ी आती हुई दिखाई दी। इसको हमने हाथ दिया तो इसने ब्रेक लगा के वापस मोड़ने लगा, तो जैसे ही हमारे को शक हुआ तो हमने इस गाड़ी को काबू किया। काबू करने के बाद देखा इसमें 2 लड़के बैठे हुए थे, उनसे पूछताछ करी। पूछताछ पर गाड़ी को चेक करा तो गाड़ी के अंदर शराब भरी हुई थी, पेटी पीछे भी डिग्गी में भी और गाड़ी के अंदर भी। कितनी शराब थी टोटल इसमें? इसमें जब गिनती की तो लगभग टोटल जो है 14 पेटी इंग्लिश नाइट ब्लू और 18 पेटी देसी संतरा शराब थी। क्या कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ लेकर जा रहे थे? ये दोनों लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं, नागलोई के, और यहाँ कालूपुर चुंगी से इन्होंने बताया कि हमने वहाँ से शराब ली है। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम मनीष है, दूसरे लड़के का नाम मोहित। गाड़ी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टिकर लगे हुए हैं? गाड़ी जब हमने चेक किया तो गाड़ी के आगे और पीछे लाल अक्षरों में इंग्लिश में लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या इसका फायदा उठाकर ये शराब सप्लाई करती थी? जिन्होंने यही बताया कि हमने इसलिए लिखा हुआ था कि भाई ताकि जो है ये हमारे को पुलिस परेशान ना करे और हमारे को रोके ना। इसके संबंध में भी हमने इसके खिलाफ सेक्शन लगाई। सेक्शन 420 भी लगाए? नहीं, 420 नहीं, 170 लगाए। सर कुछ बताया कब से ये शराब की सप्लाई कर रहे हैं? अभी इन्होंने यही बताया कि हमने पहली बार की है, बाकी और गहनता से पूछताछ जारी है। कोर्ट में पेश किया जाएगा? हाँ, आज कोर्ट में पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों युवक दिल्ली के नागलोई के रहने वाले मनीष और रोहित हैं। ये दोनों कार पर भारत सरकार का स्टिकर लगाकर सोनीपत से दिल्ली में शराब तस्करी का काम कर रहे थे। फिलहाल दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।